हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जान गए हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस की डेफिनेशन परिभाषा, प्रत्येक काम किसी न किसी टाइम समय में होता है। वर्ब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम किस समय टाइम में हुआ है, उसे काल यानी टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बीते हुए समय में किसी कार्य का होना बतलाता है और सब्जेक्ट कर्ता की आदत प्रकट करता है। वाक्यों की पहचान, इस काल टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, या, सका, सके, सकी आदि अक्षर आते हैं। वाक्य बनाने के नियम, ए, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बी, यदि वाक्य में किसी की आदत प्रकट होती हो तो सब्जेक्ट के साथ यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सी, यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके हो तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वह घर गया, ही वेंट होम, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, आई थॉट इंग्लिश, हमने आज चाय पी थी, वी टुक टी टुडे, वे स्कूल जाया करते थे, दे वेंट टू स्कूल, तुम यहाँ आ सके, यू कुड कम हेयर, कल वह लखनऊ गया, यस्टरडे ही वेंट टू लखनऊ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव वाक्य बनाने के नियम, नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नेवर होगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तीसरा है, सका शब्द के लिए कुड का प्रयोग होता है, कुड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे, तुम कभी झूठ नहीं बोले, यू नेवर टोल्ड ए ली, मैं पत्र ना लिख सका, आई कुड नॉट राइट ए लेटर, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट फूड, आज तुम बाजार नहीं गए, You did not go to the market today. उन्होंने कभी हमारी सहायता नहीं की, He never helped us. C, interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, डिड शब्द सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, परंतु सब्जेक्ट के बाद सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे, क्या उसने मुझे एक कलम दिया, डिड ही गिव मी ए पेन, तुम वहाँ कब गए थे, वेन डिड यू गो देयर, क्या मैंने आज उसे पढ़ाया, डिड आई टीच हिम टूडे, क्या रमेश कल यहाँ आया था, डिड रमेश कम हेयर स्टडे, वे कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो स्टडे। आप जानते हैं फास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फास्ट कंटिन्यूस टेंस रूल्स, फास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी होना पाया जाता है, इसलिए ऐसे वर्ब क्रिया को फास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। वाक्यों की पहचान, ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। वाक्य बनाने के नियम, ए, प्रिंसिपल वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाकर उससे पहले
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाते हैं। वी नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वाज या वेयर सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे राम अपना खाना खा रहा था, राम वाज टेकिंग हिज फूड, हम तुम्हारी बात देख रहे थे, वी वेयर वेटिंग फॉर यू, बच्चा सोया हुआ था, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग, मोहन बैठा हुआ था, मोहन वाज सिटिंग, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, आई वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, क्या वह नहीं गा रही थी, वाज सी नॉट सिंगिंग, तुम्हारे साथ कौन जा रहा था, हु वाज गोइंग विथ यू। आप जानते हैं फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, फास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। वाक्य बनाने के नियम, ए वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात फास्ट पार्टिसिपल लेकर इसके पहले हैड लगाते हैं। बी इन वाक्यों में पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर, जब के लिए वेन का प्रयोग होता है, तब और तो का अनुवाद नहीं लिखा जाता है। सी ऐसे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज का अनुवाद पहले करते हैं, वेन बिफोर आफ्टर से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद बाद में किया जाता है। डी बिफोर और वेन से शुरू होने वाले वाक्यों में फास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस, मगर आफ्टर से शुरू होने वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग होता है। ई नेगेटिव वाक्यों में हैड के पश्चात नॉट लगाते हैं। एफ इंट्रोगेटिव वाक्यों में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, मास्टर जी के कक्षा में आने से पहले ही छात्र चले गए थे, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर कम इन टू द क्लास, नाश्ता खाने के बाद राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन द ब्रेकफास्ट, जब स्कूल की घंटी बजी तब मैं अपना खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट टेकन माई मील्स वेन द स्कूल बेल रंग, क्या बच्चे दूध पीने से पहले सो चुके थे, हैड द चिल्ड्रन स्लीप बिफोर दे ड्रिंक मिल्क, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, मैंने पहले कभी ताज नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। अब जानते हैं फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही कुछ समय तक चलता रहे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है। वाक्यों की पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है। वाक्य बनाने के नियम, ए वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर उसके पहले हैड बीन लगाते हैं, और तक या से की अंग्रेजी फॉर या सिंस से प्रकट करते हैं। बी नेगेटिव वाक्यों में
हैड के बाद नॉट लगाते हैं। सी इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी हैड से भी पहले लगाते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 3 बजे से काम कर रहे थे, यू हैड बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, इस काम को पाने से पहले तुम क्या कर रहे थे, वाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर यू गॉट दिस जॉब, वह प्रातःकाल से बाग में टहल रहा था, ही हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, क्या वे 1 घंटे से अपना समय नष्ट कर रहे थे, हैड ही बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 1 आवर। तो मैं आशा करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजबल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।